बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूँ अली सुदेश और आप मेरी यूट्यूब चैनल इटन एमडी कैट इन माई पॉकेट पे, लेकिन मेरा नहीं है, आप लोगों का चैनल है। एक दो इम्पोर्टेंट तरीन बातें करना चाहूँगा, वो ये है कि जो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है वो ये है कि मैंने एक चैनल भी देखा जिसपे मेरे वीडियोज़ को किसी दूसरी टीचर की वीडियोज़ के साथ कंपेयर के कहते हैं हु इज़ द बेस्ट, राइट, हु इज़ द बेस्ट केमिस्ट्री टीचर। और फिर मैंने ये भी देखा कि और वीडियोस के सामने नीचे ये लिखा जाता है कि आप फ़लाँ टीचर को या मुझे कॉपी करते हैं, या मेरी वीडियोस के नीचे मैंने ये लिखा कि आप फ़लाँ को जवाब दे रहे हैं, आप फ़लाँ के ख़िलाफ़ है, आप फ़लाँ को ये, फ़लाँ को वो, फ़लाँ को वो। तो मैं आपको दो तीन बातें करना चाहूँगा, और वो बात ही ये है कि देखिए, मेरा अपना एक डोमेन है जिसमें मैं काम करता हूँ। आपने ये देखा है कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स के हक़ के लिए आता हूँ, इधर खड़ा हो जाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आज भी मैंने वीडियो बनाई कि भाई कल प्रोटेस्ट हो रहा है, और मैंने उन स्टूडेंट्स को मॉरली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनके साथ बात की, उनके साथ प्लान शेयर की, उनको बताया भाई क्या करना है, कैसे करना है। मैंने बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा किया स्टूडेंट्स के लिए कि आपका जो टेस्ट है वो डिले हो जाए और आपका जो क्राइटेरिया है वो 70-30 हो जाए। मैंने कभी भी इधर इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं इधर आऊँगा आपके साथ डिस्कस करूँगा वगैरह वगैरह। तो उनको मैंने बैकग्राउंड में रखा, और बैकग्राउंड में मैं ही जितना मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। ये नहीं कि मैं फिज़िकली बहुत मैंने नहीं किया इस दफ़ा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अच्छा, बात आऊँगी डोमेन। तो डोमेन मेरा अपना एक डोमेन है, तो ये डोमेन मेरा है कि मैं आता हूँ आपके हक़ के लिए भी बात करता हूँ, मैं लड़ता भी अक्सर हूँ, मैं ऐसी बात भी करता हूँ जिसकी वजह से मुझ पर एक काउंटर अटैक आता है। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि मुझ पर एक काउंटर अटैक आया, और बहुत ख़तरनाक काउंटर अटैक आया। ख़तरनाक काउंटर अटैक मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पर बड़खाने की कोशिश की गई, और मेरे खिलाफ़ एक बहुत ज़्यादा मतलब एक वो चली गई कि कहाँ है वो सर अली सुदेश, वो ये कह रहे थे। तो स्टूडेंट्स आते थे कुछ फेक आईडीज़, उन लोगों की फेक आईडीज़ आके वो कहते थे ये 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 वगैरह, वो कहते अपना चैनल चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब अपना चैनल चलाते हैं, सब अपनी अकेडमी चलाते हैं, सब अपना एक काम करते हैं। ये मेरा एक काम है जो मैं आके आपके साथ ऑनलाइन करता हूँ। तो हर बंदे का एक काम, जी मेरा एक डोमेन है जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा अपना डोमेन है, मैं इस डोमेन में काम करता हूँ, करूँगा, और मैंने पहले भी किया है, तो मैं अपने डोमेन को भी चेंज नहीं करूँगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपके जहन में होनी चाहिए, मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करता, न कभी किसी की इंसल्ट करता, न कभी किसी के ख़िलाफ़ करता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त बात करता हूँ जब कोई मेरे डोमेन के अंदर आता है, मेरे ख़िलाफ़ बात करता है, मेरी किताब के बारे में, मेरी टीचिंग के बारे में, मेरी केमिस्ट्री के बारे में, या किसी और चीज़ के बारे में। अगर मुझ में गलती है तो मैं तो माजरत चाहता हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी भी ऐसी कोई बात या ऐसी हरकत या ऐसा काम नहीं करता कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, या किसी की इंसल्ट हो, या किसी के ख़िलाफ़ कोई बात हो। दो तीन वीडियोज़ मैंने देखी मुख्तलिफ जगहों में, या मैंने बताया आपको कि आजकल जो मेरे ख़िलाफ़ लगे हुए हैं जो कि कर रहे हैं, आपको पता है कि ज़रियाब खान एक जो वो है, क्या नाम है, जो फेसबुक पर एक आईडी है जो कि हर जगह हमारे फेसबुक पेज पर भी इवन ये कि गलत गलत बातें लिखते हैं, इस तरह मिनहाल है, या मिनहाल खटक है, या मिनहाल खान है, बल्कि मैंने स्क्रीन शॉट लिया, मुझे मिला तो मैं इधर आपके साथ कर लूँगा। तो वो देखो, कल इजहार साहब जब बात कर रहे थे तो उनके नीचे उन्होंने एक बात लिखी कि फ़लाँ साहब ये बात कर रहे थे इसलिए मैं फ़लाँ को सुनता हूँ। मेरी वीडियो के नीचे भी एग्जैक्टली अल्फाज वही होते हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो हमें पता चल जाता है भाई कि 5 जगहों पर एक ही बात हो रही है, इसका मतलब है कि वो एक ही बंदा है, यही वही है। इस तरह फिर हमने जब ट्रेस करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। वो बड़ा आईपी लगाते हैं जिसके साथ वो आईपी चेंज हो जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, तो वो लगाते हैं, लेकिन हम फिर भी उसको ट्रेस कर लेते हैं क्योंकि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन है। डेफिनेटली हर वक्त तो नहीं लगा सकते, कहीं ना कहीं कोई आईडी अपनी लगा लेते हैं जिससे पता चल जाता है। एनीवे, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग है, मैंने पहले भी कहा था बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग है ये सोशल मीडिया पर, और वो आके हमारे खिलाफ़ बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं। तो मैंने आपको पहले कहा मैं इसकी परवाह नहीं करता, जो मैं इधर आया हूँ ये वीडियो बनाने का मकसद ही है, जो कि मेरी सीनियर है, मतलब मेरे बहुत से बड़े सीनियर, कोई भी टीचर किसी अपनी एकेडमी में किसी दूसरी टीचर की कोई तारीफ़ नहीं करता, जाके आप पूछिए ना किसी भी टीचर से मेरे बारे में। तो मैंने तो यहाँ तक सुना है मेरे बारे में कि मैंने चोरी की है, यकीन करें ये टीचर की, हालांकि ये मैं उनको जाऊंगा तो मैं 1-to-1 उनको कहूंगा कि भाई आपकी एकेडमी में मेरे बारे में ये बातें हो रही है, मैंने चोरी की है, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मैं एवी लगा होता हूँ, मतलब उसको क्या आता है वगैरह वगैरह। मेरे स्टूडेंट्स को ये बात कही गई है, जब मेरे स्टूडेंट्स ने उनके साथ बहस की और कहा कि सर आप गलत हैं,
ये ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स होता है वो भी तो ऐसे वैसे टीचर से बेहतर होता है, क्योंकि उनको मैं इतना ट्रेन करता हूँ कि जो केमिस्ट्री की डेप्थ तक चले जाते हैं। तो जब आप वो सरफेस सरफेस एरिया यानी सरफेस सरफेस कोई पढ़ाता है तो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसका मकसद ये है कि जनाब मैं न किसी को कॉपी करता हूँ, न मुझे किसी की कॉपी करने की ज़रूरत है। मैंने अपनी किताब जो लिखी है वो भी किसी से कॉपी नहीं है, वो मेरा 12 साल एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। अभी मेरी एक वीडियो पे लिखा गया कि फ़लाँ 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 टीचर ने ये ट्रिक्स बताए थे। तो याद रखना, ट्रिक्स ये सिर्फ मेरे हैं, ओखाड़ यू ट्रिक मेरा है। आप किसी भी टीचर या किसी भी से भी पूछें, अगर उसने ये क्लेम किया और ये साबित किया, मैं साबित करूँगा, साबित किया कि ये मेरा है, तो मैं केमिस्ट्री छोड़ दूँगा। ऐसे मेरा एक मेरी वेबसाइट थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता लेकिन मेरी स्टूडेंट्स को पता था, alikhem.com के नाम से एक वेबसाइट थी जिसका बैकअप मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे अपलोड करूँगा क्योंकि उसका स्टोरेज ख़राब हो गया था। तो उसमें आप देख सकते हैं कि 8 साल पहले मैंने ट्रिक्स अपलोड किए थे, मैंने लिखे थे, तो रिटन फॉर्म में वो चीज़ उधर मौजूद है। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। और जो पुरानी स्टूडेंट्स हैं जैसे रहीम है और बाकी जो हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमेशा मेरे ट्रिक्स और मेरी वेबसाइट फॉलो की थी, उस पर बहुत ज़्यादा ETA/MDCAT और नम्स और FMDC और इसका बहुत ज़्यादा डाटा था। बीच में मैं थोड़ा सा अनइंटरेस्टेड हो गया तो मैंने उसको छोड़ दिया। एनीवे मैं शॉर्ट करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो सीनियर टीचर्स हैं, मेरा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप कभी भी कंपेयर ना करें फ़लाँ टीचर ये फ़लाँ ये फ़लाँ ये फ़लाँ ये, नहीं, मेरा किसी के साथ कोई ऐसा कोई काम या कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक डोमेन में काम करना चाहता हूँ और मैं करता हूँ। मैं स्टूडेंट को अपने तरीके से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन तरीके से ट्रेन करता हूँ। जिसको मेरा तरीका पसंद है तो आते हैं मेरे पास पढ़ने, जिनको नहीं पसंद तो वो नहीं आते। हर बंदे का अपना एक फेवरेट टीचर होता है, तो बेशक आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मुझ में अगर कोई गलती है या मेरी टीचिंग में कोई मसला है या मेरी केमिस्ट्री में मसला है तो बेशक आप मुझे कह सकते हैं फ़लाँ जगह पर सर अपने फ़लाँ गलती, दो वीडियोस में अभी तक जो मेरी गलती आई और मैंने वो गलती पब्लिकली एक्सेप्ट की। मतलब मैं कोई फ्लेक्सिबल बंदा हूँ, मुझ में कोई नापरस्ती नहीं है, मैंने गलती की मैं पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूँ। मुझसे किसी की दिलाज़ारी हुई, मैं पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे दिलाज़ारी हुई। तो इजाज़त चाहूँगा इस बात के साथ कि आप सब मेरे लिए काबिल क़दर हैं, जितनी भी असातज़ा हैं, जितनी भी मेरे सीनियर हैं, जूनियर हैं, क्लास फेलोज़ हैं, कोई भी हैं, ठीक है। और दिल में कोई ऐसी बात ना लाई, मैं कभी भी इंशाल्लाह आपके सामने नहीं आऊँगा, ना मैं किसी सीनियर टीचर के सामने आऊँगा, ठीक है। और ये वीडियो पे मेरे लिखना छोड़ दें कि मैं फ़लाँ टीचर के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ बातें करना चाहता हूँ, नहीं, मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो मेरे डोमेन में आता है तो मैं सिर्फ उसको जवाब देना चाहता हूँ और मैं देता हूँ, मैं उसको फिर नहीं छोड़ता। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।